अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेडी विदर मेडनेस में वेलकम। स्टिचिंग थेरेपी के साथ आज एक और डिज़ाइन जो कि ऑलरेडी आप देख चुके हैं उसकी मैं ट्रिक्स बताऊंगी आपको। ये मेरा एसएस का दुपट्टा सूट था जिसके दुपट्टे पे मैंने बहुत ज़्यादा फैब्रिक वर्क किया था। और ये इसकी शर्ट है। शर्ट के फ्रंट पर पैच था जिसको मैंने डोरीदार लेस के साथ इसके साथ अटैच किया है। इसका जो पैच है इसको भी मैंने घर पर ही लगाया है। बाजू पर मैंने दुपट्टे की तरह का ही फैब्रिक वर्क किया था और दामन पर भी। और ये बहुत ही खूबसूरत डेलिकेटेड लगता है और ये बहुत ज़्यादा फैशन में इन है। ठीक है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आज आपको इसका पैटर्न बताऊंगी। ये इसका ट्राउज़र है, इसमें मैंने रिबन के पर मैंने फैब्रिक का ही रिबन बना के लगाया है। इस पैटर्न को समझाने के लिए मैंने मैथ का पेज यूज़ किया है ताकि आपको आसानी से समझ आए। इसके ऊपर मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगी। आप इनके ब्लॉक्स को काउंट करके जितना लंबा और चौड़ा रखना है उतना आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। ऊपर के जो डॉट्स हैं, ऊपर की जो लाइंस हैं, उसमें जो मतलब रेक्टेंगल के जो कॉर्नर्स हैं उनसे एक एक ब्लॉक को छोड़ते हुए आप एक लाइन ड्रा करेंगे जो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। अब ये हमारा पैटर्न तैयार है। इसको हम पेस्टिंग पेपर के ऊपर रख के इसको कटिंग कर लेंगे। अब मैं इसको एक फैब्रिक के ऊपर रख के इसको चिपका लूँगी। जो भी मैं पैटर्न तैयार कर रही हूँ सिर्फ आपको सिखाने के लिए कर रही हूँ क्योंकि मैं ड्रेस ऑलरेडी स्टिच कर चुकी हूँ। बंद वाली साइड को नीचे की तरफ टर्न करते हुए हम इसकी साइड्स पर सिलाई लगाएंगे। अगर कपड़ा थोड़ा है, छोटे पीस हैं, तो आप इसको थ्री साइड पे स्टिच करेंगे, ऊपर की और ये साइडों वाली। ये अब मैंने इसको स्टिच कर लिया है, इसको मैं टर्न कर रही हूँ। बहुत आसानी के साथ ये टर्न हो जाता है और ये इस शक्ल का आ गया। अब हम दूसरी चीज़ इसकी बनाएंगे। इसके लिए मुझे फैब्रिक का एक रिबन तैयार करना है। इस रिबन के लिए मैं इसको टू इंच की पट्टी लूँगी और इसको फोल्ड करने के बाद ऊपर से बंद करते हुए इसकी स्ट्रेट सिलाई लगा दूँगी और किसी भी चीज़ की मदद से मैं इसको सीधा कर लूँगी। अब ये मेरे पास एक रिबन या मेरे पास फैब्रिक रिबन तैयार है। इसको मैं इसके ऊपर रखूँगी। जितनी लेंथ तक आप रखना चाह रहे हैं, आपको जितना प्यारा लगता है, आप उस तरह से इसको इसके ऊपर लगा के स्टिच करके आप इसको अपने गले में, बाजू में, दुपट्टे पर इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके साथ के बहुत सारे बनाए थे क्योंकि मैंने इसको अपने दुपट्टे पर भी यूज़ किया था, शर्ट पर, दामन पर। आई होप यू विल लाइक माई वीडियो। सो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड।